ज़्यादा से ज़्यादा बोली। आप काम करते नीचे ना खाली भी बैठे हो ना, बोल दो ऐसा बोली। ये गायत्री मंत्र क्या होता है, इसमें 24 अक्षर हैं और 2400 अक्षर जागृत हैं। 24 जागृत जो है मतलब शक्तियाँ हैं इनमें जुड़ी हुई हैं, जागृत शक्तियाँ इसमें इसमें गायत्री मंत्र और 2400 अक्षर से जागृत शक्तियों की एक एक देवता गणेश जी से लेकर 24 देवता उसमें भी। इसमें सर्च किया गया जर्मनी वगैरह में कि इसको महामंत्र क्यों बोला गया, और भी मंत्र हैं। तो जब ये पुतले में 24 अपनी ग्रंथियाँ होती ना, 24 बल्ब लगाए गए ग्रंथियों में, तो जब मृत्युंजय मंत्र और मंत्र बोला जाता था तो किसी में 5 बल्ब हो जाता था, किसी में 7 बल्ब। और जब महामृत्युंजय मंत्र बोला गया है ये गायत्री मंत्र बोला गया पूरी 24 बल्ब हो जाएंगे। इससे क्या होता है, 24 जब हम बार बार बोलते हैं ना तो 24 ग्रंथियाँ एक्टिवेट होती हैं कंपल से। और जब आप बार बार उसको बोलोगे ना तो बच्चे के न्यूरॉन्स मस्तिष्क सेल्स बड़ी तेज़ी से विकसित होते हैं। तो बच्चा पूरी तरह से जब उसके मस्तिष्क सेल्स न्यूरॉन्स डेवलप होंगे ना, अच्छा बुद्धिमान होगा। तो हम लोग जितना भी करा रहे हैं, हम लोग अलग अलग हॉस्पिटल यहाँ हर मंडे आते हैं बिल्डा में, अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग दिन चलता है। जो हम लोग वहाँ कराते हैं जिनके बच्चे हो रहे हैं ना, वो लोग करते हैं कि हमारे इतना अच्छा पहला बेबी नहीं था जितना बुद्धिमान और खुश मिजाज स्वस्थ बच्चा है। ये माँ को नहीं मालूम रहता कि 80% उसका ब्रेन डेवलप हो जाता है गर्भ के अंदर बच्चे का। जब 80% डेवलप हो गया और हमने उसको अभी अंदर नहीं सिखाया, उसको संस्कार नहीं दिए, तो जन्म लेने के बाद उसमें संस्कार नहीं आएंगे। वही माता पिता परेशान होते, बहुत लोगों को होता कि जन्म के बाद फिर हम उसको सिखा देंगे। क्या 84 लाख से जब जीव आता है मनुष्य मन में, तो उसके अचेतन मन में बहुत से कुसंस्कार पिछले जन्मों के रह जाते हैं। वो कुसंस्कार अगर हमने गर्भ में रखे नहीं पाना तो फिर बढ़ते जाते हैं, वही फिर उसको मतलब गलत रंग में ले जाते, उसमें भी बदलाव नहीं होते बच्चों को। माँ बाप दुखी रहते हैं इससे, तो ये ना होने पाए इसके लिए हम लोग मतलब अच्छे संस्कार कैसे उसमें आए कैसे क्या ये सब चीज़ पूरा बताते हैं और बुक देते हैं। वो भी फ्री देते हैं, आप भी प्रेगनेंट चप्पल पकड़ा फ्री ही हम लोग देते हैं। उससे इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं और हम लोग ये शुरू अपने देश अपने समाज में अच्छे बच्चे हैं, इसलिए हम लोग अपने समय और ये सब चीज़ बताते हैं। यही अपनी संस्कृत जो है गर्भ संस्कार विदेशों में इसको प्राण बेबी नाम से इसके फायदे देखे, उन्होंने प्राण बेबी नाम से इसको अपने यहाँ शुरू किया। यानी माँ अगर चाहे तो जैसा प्राण करे वैसे बच्चे बना सकते हो। आप अगर अभी गर्भ में रहते जैसा चाहोगे उस लाइन में बच्चों को बना सकते हो। अपने यहाँ रानी मदालसा थी, राजा रीते थे, उनकी पत्नी रानी मदालसा, उनको गर्भ विज्ञान का बोल दिया, तो उन्होंने 3 बच्चे अपने ज्ञान के द्वारा मतलब बच्चों को ऐसा किया पैदा किया कि वो ब्रह्मज्ञानी बने 3 बजे। और राजा ने कहा कि फिर अपना राजपाठ कौन संभालेगा, तीनों ब्रह्मज्ञानी हो गए। उन्होंने कहा तो अब तीसरा बच्चा होगा उसको हम राजा के हिसाब से बनाएंगे। उन्होंने कैसे उस समय उन्होंने जिस तरह का माहौल किया, जैसे आप अभी जिस लाइन में डालना चाहते हो, उन्होंने क्या किया, राजा को बनाना था अपने पूरे घर में राजाओं की फोटो, शौर्य की चित्र और वीरता के सब चीज़, अवीर रस का चीज़ पढ़ना, साहित्य पढ़ना, ऐसी चीज़ें, और उससे वो इसी तरह की कहानियाँ सुनाना बच्चे को। बच्चे सुनते हैं जैसे अर्जुन ने सुनाया था, तो बच्चे सुनते हैं तो वो उनको सुनाया। जब वो चौथा बच्चा हुआ राजा अलग, वो अपने पिता से भी ज़्यादा बड़ा मतलब वो अच्छा राजा हुआ। तो ये माँ अपना चाहे तो अपने जैसा चाहे बच्चे। मेरी बिटिया है 5.5 साल की है, वो रात को आती है सोने तो वो उसको लोरी सुनाया करती है। अच्छा अच्छा। लोरी सुनाएगी फिर हाँफ करती है इधर, तो उसकी टिपिकल मूवमेंट शुरू हो जाते होते हैं है। होते हैं बच्चों को, बच्चा जब भी कभी होता है ना 8 से 9 महीने में वो पैर मारता है या वो होता है ना आवाज करके मूवमेंट से लीजिए, उसको सहलाओ, उससे बात करो, खाली समय में अपने कमरे में जाओ, गहरी सांस लो और बैठो, रिलैक्स हो जाओ और बच्चे से बात करो। आओ उससे, आप जैसे बात करोगे वैसे उसमें गुण आएंगे। आप उससे बात करो कि आओ आज हम आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप एक दिव्य पुरुष हो, आप में भगवान का अंश है, भगवान जैसे तेज पुंज है आपके चारों तरफ, आप बहुत बुद्धिमान हो। इस तरह आप जब कहोगे ना उसमें वही लक्षण आने शुरू होंगे, वही चीज़ बनता जाएगा। आप में बहुत अच्छे गुण हैं और आप ही ना बहुत अच्छे काम करने के लिए आए हो, इस धरती में भगवान ने भेजा है, और आपको आज हमें ध्रुव पहनना किसी भी कहानी सुनाते हैं आप सुनिएगा, उसमें वही गुण आने शुरू हो जाएंगे, वही बच्चे फिर आगे चलते देश का अपना है ना। ये ज़रूर करिए, इससे बहुत अच्छे फायदे होंगे।
देव वृक्ष कहलाते हैं ना, उनकी कोमल पत्तियों पूजा में इसलिए कथा आती है कोमल पत्तियों को, उनकी कोमल पत्तियों इसलिए जो आपको दिया है मैंने औषध उसको सिर्फ सुनना होगा पीना नहीं है ना। तो इसमें दोनों की कोमल पत्ती है, अभी वो एंटीबायोटिक होते हैं ना उसकी कोमल पत्ती, तो इसमें जब आप उसमें सुनते हैं हम मंत्र बोलेंगे तो ये जब आप सुनेंगे ना जिसके ब्लड में जाएगा उसका असर वो फिर बच्चे तक पहुँचे, बच्चे गर्भ के अंदर रहते हैं उसको तो कुछ मिलेगा नहीं अभी खाने को है ना, इसके द्वारा पहुँचता इसके बहुत अच्छे पहुँचते। जब आप मंत्र बोलेंगे तब आपको सुनते हुए ये सोच रहे हैं हम हमारे बच्चे अंदर से पुष्ट हो रहे हैं स्वस्थ हो रहे हैं, उसमें बहुत अच्छे डर जाते हैं। हम लोग घरों में जब जाते हैं ये पीने भी दिया जाता है मगर यहाँ पर सबके अलग अलग हमें किसी के पीने को नहीं देखते बस सुनते हैं, ठीक है। आप लोग अभी उसको सुनिएगा मंत्र बोलेंगे तब और ये सोचेगा कि हम और हमारे बच्चे अंदर से पुष्ट हो रहे हैं स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक है। अपने नाम की भाषा में ओम दिव्य चेतनाम साधनीयम ओम ओम भूयो भूयो विदाश्याम ओम विश्वानि देव शक्तिर् गुप्तानि परास्मि यद्भद्रं तन्मया शुभ कामना आरोग्य की कामना और तुम्हें मामले तुझे मिल सकते हैं।
राम हे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकनिवहन्धनं रक्तोरुचिरमामृतास्वाहा इदं मामृतुञ्जय ॐ पयप्रतिज्ञापयो सुधीषु पयो दिवन्त्रिचे पयोधा पयो दन्त्रिचे पयोधा पयस्वती प्रतिशन्तु मह्यम् माथे से लगा हुई इसकी भी है कहानी है नहीं दे सकते तो नहीं अपना बल मत दीजिए है ना हम इनको दे देंगे बच्चों को दे देंगे इसमें क्या है हाँ आप खा लो इसमें क्या है कि वो रानी सत्यवती थी उनके पति थे ऋषि वो संत थे बहुत बड़े ऋषि थे तो रानी सत्यवती थी वो गर्भवती हुई उधर उनकी माँ जो सत्यवती की माँ थी वो भी गर्भवती थी वो राजा की भी पत्नी थी माँ ने बच्चे से कहा बिटिया से बोला कि आपके पति लो बेटो आपके पति तो अच्छे ये हैं तो संस्कार गर्भ संस्कार करवा लेते हैं तो बोली अच्छी बात है पति से बोले तो बोले हम करवा देंगे आप दोनों इकट्ठे हो जाओ उन्होंने गर्भ संस्कार कराया उसके बाद ये संस्कारित खीर दिया और वो माँ बेटी ने अपना आपस में खीर बदल लिया खीर क्यों नहीं देना चाहिए बता रही उन्होंने आपस में खीर बदल दी तो क्या हुआ जब खीर बदल लिए इन्होंने फिर बाद में सत्यवती ने अपने पति से बताया कि हम लोगों ने खीर बदल लिया था तुम हंसती तो कुछ हो गया क्या तो बोले जिसका जो खीर होता है उसमें उस तरह का संस्कार डालते तो बोले जो राजा घर जाना था तो उसमें हम राजा से बदला संस्कार डाला इसमें हमने ब्रह्मर्षि वाला डाला था आप हमने बदल दिया तो उस तरह होगा तो जब राजा के घर में जो आया वो विश्वरथ हुआ उसका जब ब्रह्मर्षि जागा ब्रह्मर्षि वाला उसने खा लिया था जब ब्रह्मर्षि जागा तो विश्वामित्र हुआ है ना और इधर जो हुआ था इनके यहाँ जो हुआ लड़की हाँ लड़की के यहाँ हुआ तो इनके यहाँ यानी वो हुआ क्या कहते हैं परशुराम जब इनका क्षत्रिय धर्म लागा तो इन्होंने फिर सबको वो किया ना है ना तो ये हाँ मतलब इससे बोलता है जैसे उन्होंने अभी इसमें गायत्री मंत्र का उसका डाला है तो यानी संस्कार अच्छे हैं उसके लिए डाल उसको बाउल पाउल पर नीचे रख दीजिए अभी हम आपको और पानी चाहिए किसी भी लिखे पे रख यहीं पर रख दीजिए सब नीचे रख दीजिए ये हम बुक देते हैं आप लोगों को ये बुक इसको पकड़िए फिर आपको इसके बारे में तो इसके हम कोई चार्ज नहीं लेते इससे आप लोग का जो संस्कार कराया ये जो पहली पुस्तक है अभी जो संस्कार कराया जो औसत सुनवाई जो खीर दिया पूरी इसके बारे में जानकारी क्यों किया जाता है ये इसके क्या फायदे होते हैं किस महीने में बच्चा क्या समझने लगता कब स्वास्थ्य समझता कब स्वास्थ्य समझता है और कैसे क्या करना चाहिए उसके बारे में पूरी जानकारी इस पुस्तक में है और गलत संस्कार के बारे में पूरी जानकारी है उससे फायदा ले सकते हैं आपका तो जल्दी है समय है आप एक खूब जितना हो सके उतना ज़्यादा ज़्यादा मंत्र लेखन की किताब है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करो बच्चे में बहुत तेज़ी से बुद्धि का विकास हो तो इसको जरूर करो अभी कुछ लेडी ऐसी हमको मिली हैं जिनका कि 10-15 दिन बस का गैप है मतलब डिलीवरी का वो बोली मैं दिन रात में खुली वाली कुछ दो उसके जो फायदे जानते हैं उसके बहुत फायदे मतलब ये सांत्वन का विश्वास है तो इसलिए हम लोग रिपोर्ट पूरी भेजते हैं कि कितने लोग हम लोगों ने संस्कार कराए है ना हम लोग की तरफ से देख के आपको बता रहे हैं आपका जो बुक है आप लोग देखते हैं इसमें ये जो बुक है बड़ी वाली इसमें पूरा संस्कार के बारे में वर्णन इसमें पूरा संस्कार के बारे में जो हमने कराया है और किस महीने में बच्चे शब्द सीख में 8वें से 9वें महीने में बच्चे बहुत तेजी शब्द सीखते हैं आप अभी जो चाहोगे तो उसको बता सकते हैं क्यों सिखा सकते हैं ना इसमें है पूरी जानकारी
और ये जो छोटी किताब है ये 40 आप लोग पढ़िएगा सुबह शाम, इसके बहुत अच्छे फायदे होते हैं। और जो ये है छोटी किताब डॉक्टर द्वारा ही लिखित है, इसमें पीछे डाइट चार्ट है जो माँ को कैसे डाइट चार्ट लेना चाहिए जिससे कि बिना कट किए और अच्छे स्वस्थ रह सकते हैं, गैस का भी शिकायत नहीं होगा, है ना। ये पूरा और इसमें छोटे मोटे आसन बताए गए हैं जिसको करने से बिना कष्ट के आसानी से डिलीवरी होती है, प्रसव होता है। ये डॉक्टर के द्वारा लिखित है। और ये जो किताब है मंत्र लेखन, इसको आप किसी भी समय, ये नहीं कि हमारी बात हो, किसी भी समय जब खाली बैठो तो आप इसको लाल पेन मंगा लीजिएगा। और लाल पेन से पहले पेज से लेंगे ये लिखा है गायत्री मंत्र, इसको किसी भी समय खाली समय कितनी भी समय लिखो, इसमें ऐसा नहीं रहता मानसिक लिखा जाता है ना, इसमें ये नहीं रहता सुबह सुबह का, किसी भी समय खाली बैठ के इसको लिखते रहो। जितना ज़्यादा लिखोगे ना उतना वाइब्रेशन अंदर चलता रहेगा और बच्चे के लिए आराम के लिए फायदेमंद होगा, ये बहुत फायदे। अच्छा भी काफ़ी फायदा है ना, हम लोग हर मंडे आते हैं आपके यहाँ, इससे हमारे मंडे आते फिर ले सकते हैं, हम उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। और इसके अंदर एक फार्म है, फार्म भर के आप लोग को देना होगा भी, और अगर आप कार्यक्रम से पुस्तक होते तो जाते तो हैं, पुस्तक होते हैं अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग दिन रहते हैं, पूरा दिन 2:30 बजे सुबह से आते हैं। ये लीजिए फार्म आप लोग को भर के देना, एक शीट और बता रहे हैं आपको, इसमें जो है ये बड़ी बड़ी शुल्क, पहले हर घर में हवन होता था ना, अब नहीं होता, प्राचीन समय में होता था, अब कंट्रोल जो जान चला था कोई नहीं करता है। तो ये सूक्ष्म रूप से छोटा है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। क्या है ये जो 5 मंत्र लिखे हैं, ये 5 मंत्र, ये 5 लेके बाद में लिखा ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता ऋषि नरेभ्य भूतेभ्य, इन सब का हम लोग रहते हैं, हमारे सब लोग रक्षा करते हैं, इनका रीड होता है। और हम इनको अगर हमारे यहाँ से भाग नहीं निकलता तो इनका आशीर्वाद नहीं आते, पहले कहते थे कि अगर हम हवन करेंगे तो देवता बने सुनेंगे हमारे ऊपर आशीर्वाद करेंगे, इनका हम लोग प्रतिज्ञा है मगर लोग निकालते ही नहीं इसका। तो ये क्या है, अपने किचन में इसको चिपका लीजिए, और जैसे पहली रोटी जो बनानी है, जैसे ये पहली रोटी है उसको एक प्रसाद तोड़िए, उसके 5 भाग करिए, घी घोल मिर्च घोल के एक कटोरी में रख लीजिए, एक कोई बर्तन वगैरह सा चम्मच वगैरह वो चढ़ाइए गैस के ऊपर, धीमी आँच में, जब वो गर्म हो जाए तो पहला मंत्र बोल के पहला टुकड़ा उठाइए स्वाहा, दूसरा मंत्र बोल के ऐसे 5 टुकड़ा जो करे हैं तो दूसरा मंत्र बोल के तीसरा ऐसे करके 5 टुकड़े का स्वाहा करें, जब वो जल जाए तो उसका जल गिरा के पानी गिरा के ठंडा हो जाए कमरों में डाल दीजिए, दूसरी चिट्ठी करिए। जो पहली रोटी का एक टुकड़ा अभी निकाला था उसका फिर एक टुकड़ा एकदम निकाल दिया, उसको पीस करके दाल चावल और सब्जी जो बनी है उसमें डाल दिया, वो पूरा संस्कारित हो जाता है, उसके इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो जहाँ पर ये हवन के बाद जो हमने निकाला है प्रसाद, उसके बाद जो हमारा बच्चा वो कार्यक्रम देते हैं सब परिवार के, यहाँ तक कि बहुत लोग नशा के करते हैं गलत रहें वो तक सुधार, और जब हम इनके इंटर पंच हमारे यहाँ से निकलने लगते ना, ये जब इनका इनके पास हमारा जाता है तो मतलब हवाई बहुत अच्छा होती है, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, आर्थिक और वैसे भी बहुत अच्छा उन्नत घर में देखते हैं। इससे मैम उसमेशन का जब बहुत ही बच्चे जिसमें हवन पूजा इसी में भी कर दो, हवन वाले में करोगे तो उसमें आग तो बहुत ही अच्छा है, और ये गैस वाला 60 इसीलिए बता रहे हैं, आग जलाते तो अच्छी बात है, अच्छी ये बंद में कर लो। और ये क्या रहता है कि जब हम एक हवन किया एक टुकड़े से मुँह में डाल दिया, उसके बाद जब सोच करिए अच्छी बात है, और ये किचन में लगा दीजिए, वैसे याद नहीं रहेंगे मत किचन में लगा दीजिए, इससे याद हो जाते हैं पूरा गायत्री मंत्र, उसके बाद ये ब्राह्मण का नाम देव का ऋषि का इनका नाम है, ये बलि अस कहलाती है, तो बलि माने बलिदान, रस माने देव, और ये जरूर करिए, इससे बहुत अच्छे परिणाम निकलते हैं, इसीलिए हम लोग ये करवाते हैं कि आप करिए गीता गर्भ संस्कार।
गर्भ संस्कार करते करते सुनते जाइए, अच्छी चीज़ है। ये सर्च किया गया है यूएसए में, मंत्री के यहाँ चिप लगा के सर्च किया गया है, उसमें क्या पता चला है कि जब माँ दुखी होती है तो बच्चा भी बहुत दुखी होता है। अगर आप अभी स्माइल कर रहे हो तो स्माइल करो, स्माइल करते रहो तो अंदर स्माइल करता, फिर स्माइल करते रहो, चाहोगे ना कि हमारा बच्चा खुश रहे, है ना। जब वो खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो उसके पूरे शरीर के आर्गन, पूरा शरीर अच्छे से पूरा डेवलप होता है। आप उसको खुश रहना, टेंशन वाले माहौल से दूर रहना। टेंशन वाले माहौल में क्या होता है, जब माँ टेंशन में या दुख में रहती है तो उसके बच्चे की नस नाड़ियाँ सिकुड़ती हैं, जब नस नाड़ियाँ सिकुड़ती हैं तो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन उसके नसों में नहीं जाता है, तो बच्चा या तो बीमार होगा या क्या पंगा पारिज होगा। तो जो बच्चे चिड़चिड़े गुस्सैल होते हैं कि हरदम बीमार रहते हॉस्पिटल दौड़ते, ये चीज़ नहीं होगा। अगर आप खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, सीरियल या मूवी ऐसे मत देखना जिससे खुद का प्रेशर बढ़े, है ना। अच्छी चीज़ देखना, अच्छी चीज़ सोचना, अच्छा आहार व्यहार लेना, है ना। और हरदम खुश रहना, जहाँ लड़ाई झगड़ा है टेंशन वाला ना, वहाँ सुधर जाना बच्चे के लिए, ठीक है। कहते हैं ना कि टेप रिकॉर्डिंग, हमने जितनी बातें डाली उतने टेप हो जाने, है ना। वैसे है कि माँ माँ से ही वो सब सीखेगा। माँ अगर इस समय नहीं मिलती, अगर बच्चे अच्छा सोच रखे तो बच्चे में वही आएगी गुण, है ना। तो इसीलिए आपको अच्छा सोचना, अच्छा देखना, और बच्चों को गूंजने वाली ध्वनि बहुत अच्छी लगती है, जैसे ओम मोबाइल में लगाइए ओम, और दूर रखिए मोबाइल अपने से दूर रखिए, क्योंकि हम लोग को नुकसान करते तो बच्चा ना देखो उसको बहुत करेगा, है ना। ओम की धुन लगाइए अपने रूम में बैठिए, और खुद भी उसका ओम का उच्चारण करिए, तो एक अच्छी एनर्जी अंदर पैदा होती है वो बच्चे के लिए और आपके लिए। बच्चे बहुत खुश होते हैं, हमारे पास इसका वीडियो है मगर यहाँ दिखा नहीं पा रहे हैं, पास हमने दिया था बना के मगर यहाँ नहीं चलता है टीवी। बच्चे का तो यहाँ तक देखा गया है कि अगर अच्छी म्यूजिक सुन रही है माँ तो बच्चा घर में डांस भी कर रहा था, हाँ बड़ा अच्छा लगता है, ड्रेस भी उसमें वो नाश्ता भी है, वो भी खुश होते हैं। तो आप तो चाहोगे ना कैसी चीज़। और फिर जब 9 महीने अगर हमने सुना है वो म्यूजिक, उसको जब वो बच्चा पैदा हो गया है और आप उसका कर रहे हो, रो रहा है परेशान है, वही म्यूजिक लगा रहे हैं तो बिल्कुल शांत हो जाएगा, आप आराम से काम कर लोगे, क्योंकि ये बेनिफिट मिलता है। तो आप लोग इसीलिए ये मतलब ये सब चीज़ जरूर करना, है ना। सुबह सो के उठना आप लोग, सूर के सामने खड़े होकर गर्भ में हाथ लगाना, गैस भी मंत्र बनता है तो गैस भी सूर्य जी का बोल सको, उसके बाद सूर्य का जल की बढ़िया। और फिर जब मुझे सूर्य मंत्री है, जब हाँ जब आप उनसे प्रणाम करके उसको साथ में रहते हैं, बोलिए उनसे फिर ये प्रार्थना करो, ये सूर्य भगवान हमारा बच्चा आके जैसे और बार फिर बन विकास बन पाए, तो ऐसे वो बच्चे पे बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो जरूर करो, बहुत ज़रूर करो, वही गुण आते हैं।